भैया लोग नमस्कार हम हैं राजेश्वर मधुकर आज हम आपके बतावे जात बानी दूधी घास के बारे में लेकिन आखिर पहले अगर और हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की जा लिए तो सब्सक्राइब करी और आइकन भी दबाएं ताई जानत बनी लाखन बीमारी के में प्रभावी दूधी घास के बारे में दूधिया घास बरसात में उगे वाला घास प्रजात के वनपति है रौड़ीपान जानत हो कब्जा कि प्रभावी घास है रऊड़ीपान के जान के आश्चर्य हुई कि मासिक धर्म और रक्त प्रदर में ई घास विशेष प्रभावी होला हरिहर दूधी के छाया में सुखा के कूट के छनले के बाद रोज एक चम्मच दो बार सेवन कैले से अनावश्यक मासिक रक्तस्राव रुक जला दूधी बच्चन खातिर उनके दस्त में के बीमारी में बहुत लाभकारी है दूधी के पत्ता के दो ग्राम चूड़ के फंकी दहले से दस्त के बीमारी और अतिसार में लाभ मिलेगा ला। साथ ही एक प्रयोग से पेट के कीड़ा भी मर जाले खूनी पेचिस में दूधी के पाँच से दस ग्राम रस शहद में मिलाकर सेवन कैले से बहुत लाभ मिलेला महिलाओं के सफ़ेद प्रदर में यह दूधी घास बहुत लाभकारी होला दूधी के दो ग्राम जड़ के घोट के तीन बार सेवन कैले से श्वेत प्रदर में बहुत लाभ मिलेला दूधी के कूट के छान के दो से पाँच ग्राम चूड़ दो चम्मच शक्कर के साथ सेवन कैले से काम शक्ति बढ़ेले छोटी दूधी उखाड़ के साफ करके 15 पंद्रह ग्राम मात्रा में छः बादाम गिरी के साथ मिला के दोपहर के समय सेवन कैले से गर्मी और शुक्र प्रमेह आदि दूर होके बेरिकोष के शक्ति प्राप्त होले इतना ही नहीं दूधी के पौधा दुग्धवर्धक भी होला महिलाओं में अगर कोने वजह से दूध बंद हो जा तो ओकरी समस्या में दूधी घास के एक ग्राम के मात्रा में 10 से 20 दिन सुबह शाम पिये से भरपूर दूध आयल शुरू हो जाला इ दूधी घास सौंदर्य भी ले। अगर मुहासा पर दूधी घास के लगा जाए तो मुहासा खत्म हो जाला साथ ही दाद पर भी एक दूध के लगौल से बहुत लाभ मिलेला दूधी मधुमेह दमा गंजापन में भी बहुत प्रभावी होला गंजापन में दूधी के रस के कनेर के पत्ता के रस के साथ मिला के लेप कैले से गंजापन के समस्या दूर हो जाला। कांटा चुभले पर तई दूधी घास बहुत प्रभावी होला पैर में कांटा चुभले के बाद दूधी के पीस के लेप लगौले से कांटा निकल जला जलोदर नक्सीर रतौधी में बहुत लाभकर होला भैया तो लो आज बस इतना ही देखत रही हमार सीरीज सेहत के साथी हम रउरे उत्तम स्वास्थ्य के कामना करत बनी आज्ञा दी अपने साथी राजेश्वर मधुकर के बहुत जल्दी रोगरा से मुलाकात हुई स्वास्थ्य के को नया संदर्भ के साथ नमस्कार